नहीं, अकेले आए सुबह से। अच्छा, तो खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है आपकी? नहीं। तो आप लोग अब यहाँ डटे रहेंगे जब तक सरकार नहीं माने? हाँ, हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है कि हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए और एग्जाम को जल्द से जल्द कराया जाए। हमारी मैम, हम लोग 50,000 लोग हैं। आपकी पुलिस एग्जाम का एग्जाम हो और पूरे पारदर्शी तरीके से हो, ताकि कोई घोटाला धांधली ना हो। सरकार हम लोगों की मांगे सुने, जो सुबह से सुना किया जा रहा है। एग्जाम हुए 2 दिन हो गए, तब भी कोई मांग नहीं हो रही, ना ये मानने को तैयार है कि एग्जाम लीक हुआ है। आपका नाम क्या है? अंकित यादव मैम, प्रयागराज से। कहाँ से आए? प्रयागराज से मैम। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अब जो पेपर हुआ है 17 और 18 को, दोनों पेपर लीक हुए हैं, तो हम लोग हमारी लोग की यही मांग है कि पेपर री एग्जाम होना चाहिए। और जब तक ये री एग्जाम नहीं होगा, तब जब तक सरकार नहीं बोलेगी, तब तक हम लोग यहीं पे पड़े रहेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे कहीं। मैम, रत्नेश सिंह रायबरेली से। हम लोग यहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक री एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं कर दी जाती है। सरकार हम लोगों की मांगे सुने, जो सुबह से सुना किया जा रहा है। एग्जाम हुए 2 दिन हो गए, तब भी कोई मांग नहीं हो रही, ना ये मानने को तैयार है कि एग्जाम लीक हुआ है। जी, अखिलेश चौधरी बस्ती से हैं। हम ये चाहते हैं कि जो पेपर में जो पेपर लीक हुआ है, उसके लिए सरकार दोबारा बोले और एग्जाम करवाए, इसका दोबारा से होना चाहिए। विवेक सिंह हैं, बलरामपुर से आए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि फिर यूपी पुलिस एग्जाम का एग्जाम हो और पूरे पारदर्शी तरीके से हो, ताकि कोई घोटाला धांधली ना हो, और जो अभी तक इन्वॉल्व रहे हैं उनको सख्त से सजा दी जाए। कितने लोग हैं यहाँ पे आज आप लोग? मैम, हम लोग 50,000 लोग हैं यहाँ पे। मैम, मैं नीलेश यादव गोरखपुर से आया हूँ। हमारी मांग सरकार से है कि सरकार जो पेपर लीक है उसको री एग्जाम कराए और पारदर्शिता के साथ कराए, और जो जो लोग पेपर लीक किए हैं उन्हें दंडित किया जाए, उनका उनका घर बुलडोजर से गिराया जाए। हमारी ये मांगे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है कि हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए और एग्जाम को जल्द से जल्द कराया जाए। हमारी रात भर यही रुकने वाले हैं। रात भर यही नहीं, जब तक डेट नहीं आएगा तब तक हम लोग यही पे रुकेंगे और हम लोग अपनी मांगे निरंतर जारी रखेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हम लोग की बात जरूर सुनेगी, क्योंकि सरकार जानी जाती है इसीलिए कि तुरंत निर्णय लेने के लिए। अगर नहीं करती है तो हम लोग उसके लिए भी पूरा व्यवस्था कर लिए हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप लोग भी बैठे धरने में। री एग्जाम कहाँ से आई है? सुल्तानपुर से। कोमल मिश्रा। तो आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, अकेले आए हैं परिवार के साथ हैं? नहीं, अकेले आए सुबह से। अच्छा, तो खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है आपकी? नहीं। तो आप लोग अब यहाँ डटे रहेंगे जब तक सरकार नहीं माने? हाँ। आपका नाम क्या है? सिंपी। आप कहाँ से? सुल्तानपुर से। आपकी अपनी मांग बता दीजिए। री एग्जाम की मांग है। हाँ, सुल्तानपुर से आए मैम। मांग ये री एग्जाम होनी चाहिए। हाँ, री एग्जाम होनी चाहिए। भर्ती बोर्ड री एग्जाम पूरी करो री एग्जाम आइए बाबू, थोड़ा सा साइड दे देना।